ये हैं राज भाई, जिन्होंने गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन से एक अच्छा सा प्यारा सा इलेक्ट्रिफिकेशन का वीडियो बनाकर हमें भेजा। थैंक यू सो मच मेरे भाई, एक अच्छा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का सामने आप वेलकम देख करता सकते हूँ। हैं आज मैदानी के की इस वीडियो दिशा। में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन पर और आपको इलेक्ट्रिफिकेशन से पता ही होगा संबंधित कि जो काम था वायरिंग का, नाकेगंज से वो मैदानी कंप्लीट कर सेक्शन लिया पे गया है। काम अभी इसके चल अलावा रहा एक है, छोटा सा फिलहाल कुछ दिनों के व्यू लिए हम आप लोगों को बंद हो गया दिखाएंगे है। कि यहाँ पर फाइनल टच देने जब का भी काम स्टार्ट भी किया होगा जा रहा मैं है। अपने हालांकि चैनल पे दूंगा। ओएचई वैन के द्वारा फाइनल ये टच का काम नहीं देखिएगा चल रहा है। लखीमपुर की दिशा यहाँ है, पर जो केपीटीएल के सामने आपको इंजीनियर्स देख या रहा होगा वर्कर्स वायर हैं, खिंच वो गया है सीढ़ी यहाँ तक। लगाकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो कोई अभी भी आपको छोटी पास से मोटी कमी लेके रह आप गई है वायरिंग में, दिखाएंगे। उसको यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। एक छोटा सा व्यू हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ से नज़र डालिएगा माल गोदाम के साइड का व्यू, देखिएगा किस तरह से लखीमपुर की काम कर दिशा, रहे हैं, और ये गोला गोकरनाथ और भी रेलवे एनआरए के स्टेशन का लोग लगे साइन हुए बोर्ड। हैं। आगे दूर दूर तक आप देख सकते हैं सीढ़ी हाँ ये आप लगाकर देख सकते हैं काम कर वायर रहे हैं खींच गया है। केपीटीएल के इंजीनियर्स। बाकी यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 और माल गोदाम साइड के लिए जो फर्श बनी देखिएगा हुई है ये मैलानी वहाँ की पर भी दिशा है वायरिंग का फ्रेंड। काम कंप्लीट हो गया है। ये मैलानी की दिशा हो गई, यहाँ से आप नज़र डालिए। बारिश हुई है, इस वजह से थोड़ा सा भीगा हुआ भी है, मौसम भी मस्त है यहाँ पर। तो बहुत जल्द एक और वीडियो गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन से हम लेकर आएंगे, आप लोगों के लिए खास होगा और उसे मिस ना करिएगा। और एक हफ्ते के अंदर उस वीडियो को हम डालेंगे। फिलहाल आप लोग यहाँ से नज़र डालिएगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए सीढ़ी लगा कर किस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है। ब्रैकेट्स में या किसी प्रकार की कोई कमी है, यहाँ पर जो वायर है ठीक तरह से अगर होल्ड नहीं किया है ब्रैकेट्स ने, तो उसे भी ठीक किया जा रहा है। तो यहाँ पर दिन रात, सॉरी, यहाँ पर लगभग पूरा दिन काम चल रहा है। और यहीं की कोशिश की जा रही है कि मैलानी से लखीमपुर के बीच में जो वायरिंग का काम है वो जल्द से जल्द कंप्लीट कर लिया जाए। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर चढ़ा जा रहा है, क्योंकि वायरिंग का काम बायकेगंज रेलवे स्टेशन तक पहुँच गया है। अगर इसी रफ्तार से वायरिंग का काम चलता रहा तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जुलाई के अंत तक जो वायरिंग का काम है वो मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन तक पहुँच जाएगा या कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। और दूसरी बात यह भी है कि हो सकता है कि जुलाई में अगर वायरिंग का काम कंप्लीट हो जाए तो अगस्त में लोको ट्रायल भी मैलानी से लखीमपुर के बीच में कराया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।